प्रदेश सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे स्पेशल महिला वैक्सीनेशन केंद्र का बुधवार को समापन हो गया। बुधवार को उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण किया और महिलाओं से अधिक टीकाकरण कराने की अपील की। अंजू चौधरी ने बताया कि जनपद में अब तक 6 लाख वैक्सीनेशन हो चुका है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार जागरूकता ला रहे हैं। शहरों में तो लोग वैक्सीन के प्रति जागरूक हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जागरूकता नहीं हुई है, जबकि आज से हर तरह की पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं और हमें उम्मीद है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग आकर वैक्सीनेशन कराएंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों पर ना जाएं, वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन कराने से कोरोना जैसी महामारी को रोका जा सकता है। जो अफवाह फैला रहे हैं, अफवाहों पर ना जाकर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, आज क्योंकि एक विशेष दिन है, 9 तारीख जो है चुना गया है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना सुरक्षित सुरक्षा योजना, तो विशेष रूप से आज का दिन चुना गया है। तो हमारा महिला आयोग उत्तर प्रदेश महिला आयोग की तरफ से हम लोग ऑल ओवर उत्तर प्रदेश विजिट कर रहे हैं, लेकिन मैंने गोरखपुर का विशेष रूप से जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं 23 हैं, उनमें से 10 प्राइमरी सेंटर्स में जाऊंगी, 3 में 2 में हो चुकी हूं, और मेन जो हमारा महिला अस्पताल है उसमें आई हूं, क्योंकि वैक्सीनेशन का ये बड़ा सेंटर है जहाँ की लगभग 6 लाख वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है और आज भी 100-150 महिलाएँ करीब लगभग बैठी हुई हैं जो वैक्सीनेशन लगाएंगी, और दोनों तरह की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। जो दूसरी बार आ रहा है कोविशील्ड लगाया है वो फिर कोविशील्ड ही लगाएगा,
जो को वैक्सीन लगवा रहा है को वैक्सीन लगाएगा, जो पहली बार आ रहा है वो सोच समझ के बताएगा, या खुद हमारी ANM चार यहाँ पर हैं वो बताएंगे क्या उनके लिए बेहतर होगा। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन का जो ये है प्रोजेक्ट जो महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी जागरूकता ला रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जागरूकता ला रहे हैं, और शहरों में जागरूकता तो हो गई, ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक उतनी जागरूकता नहीं हुई है, जबकि आज से हर तरह की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे और वैक्सीनेशन कराएंगे, और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ हमारी माला सिन्हा और डॉक्टर पांडे जो CMO हैं ये लोग सब लगे हुए हैं फुल फ्लेज्ड, और काफ़ी सफाई और अच्छे तरीके से हॉस्पिटल को मेंटेन किया। अब इसके बाद मैं लेबर रूम, पुराना लेबर रूम तो बंद हो गया है, एक लेबर रूम है, और ऊपर पेशेंट्स जो हैं जो भर्ती हैं नॉर्मल डिलीवरी वाली सिजेरियन वाली उन सबको देखूंगी कि किस तरीके से उन लोगों को क्या ज़रूरत है और क्या यहाँ पे नहीं है। तो मैं इन लोगों से भी पूछूंगी कि इन लोगों का क्या क्या व्यवस्था है। तो मेरे ख्याल से व्यवस्था काफ़ी ठीक ठाक है, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है गोरखपुर, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं अपने शहर में ही विज़िट करूं और देखूं, क्योंकि मैं यहाँ पर अंजू चौधरी जो कि पहली महिला मेयर भी रह चुकी हूँ और आज राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए मैं आज पहली बार निरीक्षण करने निकली हूँ इस महिला अस्पताल का, और विशेष रूप से वैक्सीनेशन डे के दिन कि क्या वैक्सीनेशन हो रहा है। बाकी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बाकी जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन लगाने से जो अलग अलग भ्रम फैलाया जा रहा है कि महिला मर्दों में इनफर्टिलाइजेशन होगा, लड़कियों में इनफर्टिलाइजेशन होगा, या कोई लगवाने से आपके बुखार ऐसा हो जाएगा, तेज़ बुखार हो जाएगा, या आपके ऊपर कोई किसी तरीके का आपदा आएगा और परेशानी आएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं 3 महीना हो गया मैंने दोनों वैक्सीनेशन लगा लिया, और जितने लोग हैं वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। वैक्सीनेशन लगाने से लाभ ये है कि अगर कोविड आपको होता भी है तो वैक्सीनेशन जिनको लगा रहा था उसका फेटल नहीं होता है, उनके हालत ख़राब होने का या डेथ होने का संभावना 0% का 98% होता है अगर कोविड होता है। लेकिन जो वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं लगाया उसके लिए बहुत खतरनाक कोविड बीमारी रहे और आज कितनों इराडिकेट हो रहा तो भी नहीं हो पा रहा है। आपको ध्यान होगा कि हम लोग स्मॉल पॉक्स का, डिप्थीरिया का, TB ट्यूबरकुलोसिस का, टाइफाइड का अलग अलग तरह के वैक्सीनेशन शुरू से लगते आ रहे हैं। आज स्मॉल पॉक्स बड़ी माता जिसको कहते हैं कहीं भी नहीं है, पोलियो का ड्रॉप्स दिया जा रहा था, तो पोलियो के पेशेंट्स कम होते जा रहे हैं। तो वी हैव टू बी कॉन्शियस, हमको जागरूक होना पड़ेगा हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, बहनों और पुरुषों से, चाहे वो एक्सपेक्टेंट हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे यंग हों, उन सबको वैक्सीनेशन जरूर लगवाना चाहिए। इस टीकाकरण से वो सुरक्षित रहेंगी और कोविड होने के बाद भी वो ऐसा बीमार नहीं पड़ेंगी कि उनको अस्पताल जाने की नौबत आई, हल्के फुल्का उनको बुखार आया उसके बाद ठीक हो जाएंगी। मेरी बहू भी डॉक्टर है और दोनों वैक्सीनेशन लगाने के बाद उनको हल्का फीवर हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं है, इट वॉज ए सिंड्रोम, ए ग्रेड होता है ना मैडम, मैं भी पॉजिटिव हो गया। हाँ, वो तो हो जाते पॉजिटिव, लेकिन हल्का सा होता है, 2-3 दिन उसका ठीक हो जाते हैं। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि मैंने वैक्सीनेशन लगाया और क्यों मुझे ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता भी है बहुत लोगों को हो जाता है उसके बाद, लेकिन कुछ नहीं होता है, वो बच जाएंगे, आराम से बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बात जागरूक होने की ज़रूरत है कि ऐसे जो भ्रम लोग फैला रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, वो खुद तो पड़ेंगे ही बीमार, दूसरे को भी बीमार डालेंगे। तो जागरूक होने की ज़रूरत है, और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चाहे जिस उम्र की हो वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं, मेरा आप सबसे विनती है। धन्यवाद।